एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का लुक एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है और ये इंस्पायर्ड है बाय हिना खान एज अ कमोलिका फ्रॉम कसौटी जिंदगी की 2 से। सो ये हिना खान का फर्स्ट लुक, एंट्री लुक और प्रोमो लुक, आप कुछ भी कह लो। सो ये लुक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आप लोगों के लिए रिक्रिएट कर रही हूँ और इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने अपना बेस्ट दिया है। सो अगर आपको ये लुक पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अगर आप देखना चाहते हैं मैंने कैसे क्रिएट किया तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ इनिसफ्री की ग्रीन टी सीड आई क्रीम, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। सो इसलिए मैं अपनी अंडर आई को अच्छे से मसाज कर लूँगी। देन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का आईब्रो किट, जिसमें से मैं डार्क शेड ले रही हूँ और अपनी ब्राउ में फिल करूँगी। सो उसके साथ एक छोटा सा ब्रश भी आता है, एंगल ब्रश, सो वो काफ़ी हैंडी है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसी के साइड पे एक स्पूली भी है, सो क्यूट हैंडी ब्रश है ये, उसे ब्रश कर लूँगी मैं ताकि प्रोडक्ट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देन मैंने मेबलिन का कंसीलर लिया है इन दी शेड 20, इसे मैं एज अ आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और डैम स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो भी डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, वो हाइड हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपना मिस रोज़ का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मैंने ये वार्म टोन्ड येलो कलर लिया है जिसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है, बट मैं अपनी अंडर आई, अपने आई एरिया को, लिड एरिया को अच्छे से सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस का ब्लश, जो मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी अभी। सो इसे मैं अपनी क्रीज में बफ कर लूँगी एक ट्रांजिशन शेड के लिए। सो जो कमोलिका की स्मोकी आई है इसमें लुक में, वो थोड़ा वार्म टोन में है इसलिए। देन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का द मेबलिन न्यूड्स पैलेट और उसमें से मैंने ब्राउन शेड लेके बफ किया अपनी क्रीज पे। देन मैं यूज़ कर रही हूँ फॉकलियर का बर्निंग आई शेडो पैलेट और उसमें से मैं ये डार्क शेड लेकर अपनी अगेन क्रीज पे प्लेस करूँगी एंड देन आउटर वी पे भी प्लेस कर लूँगी। नेक्स्ट मैं पिक कर रही हूँ ये दो वार्म शेड एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से और इसे मैं फोकस कर रही हूँ मेरी आउटर वी पे, कुछ इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगी। सो काफ़ी सारे कलर्स में अप्लाई कर रही हूँ ताकि लुक अच्छे से अचीव हो जाए। फिर सेम पैलेट में से मैं ये डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से और इसे प्लेस कर लूँगी अपनी पूरी आईलिड पे, क्योंकि इस लुक में कुछ इस तरीके का लुक ही अचीव किया है हिना ने। देन मैं मिस रोज़ का सेम पैलेट पिक कर रही हूँ और स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से दो डार्क शेड को पिक करके अपने लैश लाइन के क्लोज एंड आउटर वी पे फोकस कर रही हूँ, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन और एजेस ना रहें। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने प्लम का काजल पिक किया है और इसे मैं अपने लैश लाइन के क्लोज अप्लाई कर रही हूँ एज अ आई लाइनर, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एंड देन अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ मैं सेम काजल से। उसके बाद एक एंगल ब्रश ले रही हूँ जो आईब्रो के लिए मैंने यूज़ किया था और इसमें मैं स्मोक आउट कर लूँगी एक स्मोकी इफेक्ट के लिए। सो मैं कोई लाइनर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं काजल से ही स्मोकी का लाइनर बना रही हूँ। देन सेम ब्राउन शेड ले रही हूँ मैं फॉकलियर पैलेट से और अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट कर लूँगी। उसमें से मैंने हाइलाइटिंग शेड पिक किया है पैलेट में से एंड अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे फेसेस का ऑल टाइम प्रो फेस प्राइमर अप्लाई किया है अपने पूरे फेस पे। सो सबसे पहले टी जोन पे फोकस करते हुए अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। सो ये प्राइमर मेरा काफ़ी फेवरेट प्राइमर है, फेस को बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर देता है, ब्लर आउट कर देता है। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन और मेरा शेड है 128 न्यूड बेज। सो ये मैट फाउंडेशन है और इस लुक में हिना का भी जो लुक है वो काफ़ी मैट है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और शिमरी लुक नहीं है। सो इसे मैं अच्छे से नेक पे, अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड देन कंसीलर के लिए मैंने सेम मेबलिन का कंसीलर लिया है इन दी शेड सैंड 20। उसके बाद मैं इसे अपने पूरे अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लूँगी यूजुअल प्लेसेस पे जहाँ मैं लगाती हूँ और इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। सो ये काफ़ी क्रीमी कंसीलर है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और इसका कवरेज भी अच्छा है। नेक्स्ट सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कलर बार का कॉम्पैक्ट, जो कि एक मैट फिनिशिंग वाला कॉम्पैक्ट है और मुझे इस लुक के लिए एक मैट फिनिश का कॉम्पैक्ट ही चाहिए था और इसका कवरेज भी लिटिल बिट अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने MU का ब्रॉन्जर लिया है अपने फेस को वार्म देने के लिए। सो हिना खान भी काफ़ी वार्म लुक लिया है हिना ने इसमें। सो मैं हल्का सा अपने फेस को यू नो ब्रॉन्जअप करूँगी एंड ब्लश को मैं ब्रॉन्जर के साथ मिक्स करके अप्लाई करूँगी ताकि एक वार्म लुक आए, सिर्फ ब्लशिंग चिक्स ना लगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा और ये मोडा का मस्कारा है। देन मैं अप्लाई कर लूँगी फॉल्स आईलैशेस।
नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑटबो का हाइलाइटर इन दी शेड 5। इट्स अ बेग्ड हार्ट शेप हाइलाइटर जिसमें से मैंने सेकंड शेड पिक किया है और मैं बहुत कम अमाउंट पे इसे अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ग्लॉसी फिनिश का मेकअप नहीं चाहिए, मैट चाहिए, बस लिटिल बिट शाइन हो फेस पे। लिप कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस का अल्ट्राइम प्रो लिपस्टिक इन दी शेड 05 पीच क्रश, आई थिंक सो इट्स अ ब्यूटिफुल पीची लिपस्टिक। देन अपने मेकअप को मैं सेट कर रही हूँ मिलानी मेकअप सेटिंग स्प्रे से एंड मैं डैप कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ताकि एक्सेस रिमूव हो जाए एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। सो लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे वेयर की है कुछ जंक ज्वेलरीज और ये नथ जो कि इस लुक की जान है। सो ये नथ मैंने खुद ने ही मॉडिफाई करके बनाई है एक ईयर रिंग को तोड़ मरोड़ के। सो दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। लुक पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।